Welcome back to my channel. So today we are going to do my dog decides my day for 24 hours. So before starting the challenge, let me introduce you to my dog. So guys, here comes Yankee. I'm not interested, yaar. Yankee, say hi. Yankee is least interested. अराउंड 10:30 इन द मॉर्निंग मैं उठ चुकी हूँ. मैंने शावर भी ले लिया है बट अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ क्योंकि आज यंकी डिसाइड करेगा व्हाट विल आई वेयर. और जब मैं अभी आपसे बातें कर रही हूँ यंकी इज कॉन्टिन्यूसली स्टीयरिंग एट मी क्योंकि उसको पता लग रहा है कि उसकी बातें हो रही है. सो लेट्स आस्क हिम. सो गाइज, मैंने अपने ऑप्शंस रख दिए हैं पिंक और येलो एंड अब देखते हैं यंकी क्या डिसाइड करता है. यंकी आ जाओ, कम डिसाइड. सो गाइज, यंकी ने येलो कलर डिसाइड करा है. दो आई वॉन्टेड हिम कि वो पिंक चूज करे बट कुछ नहीं होता. अब मैं रेडी होके आती हूँ. गाइज, आई एम ऑल रेडी एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट लाइकिंग माई लुक टूडे. मे बी आई एम नॉट हैविंग अ गुड हेयर डे और वॉट एवर, बट एनी वेज अब तो कुछ नहीं हो सकता. मैं दोबारा तैयार होने के मूड में नहीं हूँ एंड मुझे बहुत भूख लग रही है. यंकी से जाके पूछते हैं कि अब क्या खाना है. चलो. सो दीज आर माई टू ऑप्शंस, ब्लैक कॉफी प्लस टोस्ट एंड ओट्स एंड मिल्क. लेट्स सी यंकी क्या चूज करते हैं. सो गाइज, आई एम डन विद माई ब्रेकफास्ट एंड वाइल ड्रिंकिंग कॉफी मैं ये सोच रही थी कि आप लोग क्या देखना पसंद करोगे मेरे चैनल पे. आई मीन लाइक 24 आवर चैलेंजेस या फूड चैलेंजेस या कुछ भी. मतलब अगर आपके पास कोई भी सजेशंस हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता. सो गाइज, इट्स ऑलमोस्ट 2:30 एंड मुझे बहुत भूख लग रही है पर मेरा बनाने का कुछ भी दिल नहीं है बट मुझे बनाना पड़ेगा. क्या बोल रही हूँ यार मैं. एनीवेज, तो मैं यंकी को दो ऑप्शंस दूंगी, एक होगा हेल्दी और एक होगा अनहेल्दी. हेल्दी में मैं दूंगी रखूंगी सैलेड और अनहेल्दी में मैगी. सो लेट्स सी यंकी क्या डिसाइड करता है. सो गाइस, दीज आर माय टू ऑप्शंस. यंकी कम. यंकी का कुछ भी नहीं खाना बट वो सबसे पहले हेल्दी के पास गया तो अब हमें हेल्दी खाना पड़ेगा. सो गाइज, आई एम मेकिंग सैलेड एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इतना गंदा लगता है ना सैलेड खाना. पता नहीं आज क्या क्या करवा रहा है. इनकी येलो कलर डलवा दिया, सैलेड खिलवा रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा है. सो गाइज, आई एम डन विद माई लंच एंड इस टाइम पे या तो मैं सो जाती हूँ या फिर मैं अपना कोई काम कूम कर लेती हूँ या फ्री रहती हूँ. बट आज ऐसा नहीं होगा. आज यंकी बताएगा कि क्या करना है मुझे. तो अभी मैं उसको दो ऑप्शंस दूंगी, एक पे होगा स्लीप और दूसरे पे होगा डू योर रिटर्न वर्क. लेट्स सी वो क्या चूज करता है. गाइज, मैंने अपने दो ऑप्शंस रख दिए हैं, एक है स्लीप और दूसरा है वर्क. लेट्स होप यंकी स्लीप चूज कर. सो गाइज, यंकी ने मेरे लिए स्लीप डिसाइड करा है तो अब मैं आपसे मिलूंगी शाम को एक्सरसाइज के टाइम पे. तब हम यंकी से पूछेंगे कि क्या करते. सो गाइज, इट्स 5:30 एंड आई एम ऑल रेडी फॉर माई वर्कआउट. मैं इतनी जल्दी इसलिए आई हूँ और धूप में इसलिए आई हूँ क्योंकि 6 o'clock के बाद काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं फॉर वॉक एंड ऑल, तो उस टाइम पे थोड़ा रश हो जाता है इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ वो टाइम. सो गाइज, 9 o'clock हो चुके हैं, इट्स माई डिनर टाइम. तो अब हम देखते हैं यंकी क्या डिसाइड करता है. गाइज, दीज आर माई टू ऑप्शंस. सो
सो गाइस यंकी ने डिसाइड करा है टू कुक योरसेल्फ, सो अब मैं कुक करने जा रही हूँ, पता नहीं क्या बनाऊंगी, लेट्स सी। सो गाइस अब यंकी लेने जा रहा है अपना फाइनल डिसीजन, दैट इज स्लीप और सो जाओ। आपको क्या लगा था मैं जाग जाओ बोलूंगी? पागल हो भाई, बहुत काम होते हैं, सुबह क्लासेस भी होती हैं।